24 घंटे बाद भी नहर में डूबे युवक अनिल का कोई सुराग नहीं, तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नहर में दोस्तों के साथ नहाने के दौरान डूबे व्यक्ति अनिल की तलाश के लिए NDRF टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर उसकी खोज में जुटी हुई हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक नहर में डूबे युवक अनिल का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल पूरा मामला श्रावस्ती जिले के थाना हरदत्त नगर किरण क्षेत्र के सिटकाहना गांव के नज़दीक स्थित सैरू नहर का है, जहां पर बीते मंगलवार को दोस्तों के साथ नहाने के दौरान 20 वर्षीय युवक अनिल कुमार पुत्र छेदीराम इसी नहर में डूब गया था। इस चीज़ की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक व पुलिस अमला पहुंचा और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश कराई गई, लेकिन मंगलवार को पूरे दिन कोई पता नहीं चल सका। तो वहीं बुधवार की सुबह जब SDRF की टीम मौके पर पहुंची और फिर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, रबर बोट के सहारे नहर का कोना कोना खंगाला जा रहा है, जहां पर अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं लेकिन नहर में डूबे युवक अनिल कुमार का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं तहसील प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार शुभम तिवारी भी मौके पर है और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि लगातार टीमें काम कर रही हैं, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही डूबे युवक का पता लग सकेगा और उसके शव को बरामद करेगा। जो भी प्रशासन और पुलिस से हो सकेगा उसकी सहायता परिजनों की जा रही है। वहीं परिजनों का इस मामले में रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले में एक अलग खुलासा हुआ है, उसके साथ नहा रहे करीब 6 लोगों में से 3 लोगों ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वो युवक जो डूबा है वो नहा नहीं रहा था, अभी 3 दिन पहले ही गोरखपुर से मजदूरी करके घर आया था। उसके साथ में भुसैली और एक अन्य साथी गुरजीत, जो उसके साथ नहाने से पहले ही उसके साथ शराब पी थी, उसके बाद भुसैली गुरजीत अनिल के साथ गए और नहर में नहाने लगे, जहां पर अनिल ने नहाने से मना किया तो इन दोनों लोगों ने उसे ज़बरदस्ती उसी नहर में, जैसा कि अन्य जो इनके साथ नहा रहे थे उनका आरोप है कि उन्होंने ढकेला, फिर वो तैर नहीं सका और गहरे पानी में जाकर डूब गया। हालांकि इन लोगों ने आके तुरंत ही मौके पर यह बात बताई, तुरंत ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन की सूचना दी। पुलिस और प्रशासन के तमाम लोग मौके पर जमा हुए। मंगलवार के दिन थानाध्यक्ष हरदत्त नगर गिरंट उमेश कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासनिक अमले के साथ युवक की तलाश में जुट गए। वहीं SDRF टीम को सूचना दी गई। बुधवार की सुबह जब टीम पहुंची तो रेस्क्यू अभियान चलाकर लगातार कोना कोना खंगाला जा रहा है ताकि डूबे युवक का पता चल सके। तो यह बड़ा आरोप इन साथियों ने लगाया है कि वो नहाने के दौरान शराब के नशे में था, इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद शराब के नशे में होने के चलते वो तैर नहीं सका और फिर उसकी डूबकर जान चली गई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हर पहलू पर जांच में जुटा हुआ है। प्रशासन का पहला मोटिव है कि किसी तरह उस युवक के शव को बरामद किया जा सके। मौके पर तमाम ग्रामीणों की भीड़ जमा है, यहाँ पर देखने वालों का तांता लगा हुआ है, साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का भी आरोप है कि जो 2 लोग उसके साथ नहाने पहले गए थे उन्हीं ने उनको डुबो दिया है। ये बताओ, तुम्हारे साथ में एक लड़का कल नहाने आया था, पानी में डूब गया, क्या पूरा मामला, पूरी बात बताओ। सर उसको लेकर गए थे पकड़ के। कौन लेकर गया था? भुसैली। तो आप भी तो नहा रहे थे, पता चला था? हम लोग निकल ही आए थे, फिर बाद में उसको लेकर गए। फिर क्या हुआ? इसके बाद में लेकर गए पावा केदार में ला के छोड़ दिया। अच्छा। और गुरजीत ने उसको ऊपर से कूद पड़ा। अच्छा ये बताओ कितनी देर नहाए थे आप लोग? लमसम आधा घंटा। तो जब ये घटना हुई आप कह रहे हो कि उसके ऊपर कूद पड़ा, तो आपने किसी से बताया इसके बारे में? इसके बारे में तुरंत चिल्लाया, फिर आके घरे बताया दौड़ के। तो जो उसको मतलब कह रहे उसके ऊपर कूद गए थे जो आरोपी, वो सब कहाँ है, वो कहाँ चले गए? नहीं पता। फरार इस समय कितने लोग थे वो? 2। और आप कितने लोग थे? हम लोग तो 5 थे। कुल कितने लोग नहा रहे थे? 6। अच्छा, नहाने के दौरान कुछ लोग नशा किए थे क्या? हाँ, 3 लोग, वो जो बूढ़ा है उसको और 2 लोगों नशा किए थे। अच्छा, नहाते समय डूब गया है, क्या मामला था, क्या जानकारी है? मुझे जानकारी ये है कि बच्चे साथ में 8-7 है, उसमें ये बताया गया है कि 6-7 बच्चे नहाने गए थे तो बाकी जो है बच गए, एक डूबने लगा तो सब अपना निकलने लगे, चले आए, बचा नहीं पाए क्योंकि वो भी छोटे थे इसलिए वो बचा नहीं पाए। कब का मामला है, कब बच्चा डूबा था, कब नहाने आया था? कल करीब 11-12 के बीच का मामला है, 23 तारीख के। आपको कैसे पता चला? हमें पता चला फ़ोन से, मैं वहाँ श्रावस्ती महोत्सव में गया था, फिर मैं वहाँ से जब फ़ोन मुझे मिला तो मैं वहाँ से भाग कर आए, फिर बड़े साहब को फ़ोन किया, वो भी आए, फिर राजस्व की टीम आई, अभी बचाव कार्य के लिए सब PSC वगैरह भी आई है, बोट चल रही है, बचाव राहत का कार्य जारी है,
अच्छा लगभग कितने घंटे हो गया होगा डूबे अभी तक पता नहीं चला। तो लगभग 24 घंटे बीत चुके होंगे। 24 घंटे के करीब हो चुके हैं। क्या नाम था लड़के का जो डूबा है? अनिल कुमार। कहाँ रहता है? टेपरी है, ग्राम पंचायत सिटकाना। अच्छा क्या पता चला था यहाँ क्या करने आया था? बस नहाने के पर्पस से आए थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।